लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पकड़ साले को, जल्दी कर, जल्दी जा। वाह, क्या स्किन है साले का, एकदम एक्सपोर्ट क्वालिटी। क्यों लाला, कैसी है स्किन? जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। ले जा भाई। कालिया खाल धड़ दे साले की। क्षमा करना नाग देवता, क्षमा करना। जय शिव शंकर, अब के नाग पंचमी को आप पर सवा बंधु चढ़ाऊंगा। अरे तुम लोगों को साला सांप सुन गया क्या? जल्दी से माल बंद करो, ट्रक में लोड करो। हाँ, इससे पहले कि वो नया फॉरेस्ट ऑफिसर यहाँ पे पहुंच जाए। आने दो, मुलाकात से भांप लेंगे कि ऊंट किस करवट बैठता है। मैं हूं विक्रम सिंह, यहां का नया फॉरेस्ट ऑफिसर। हाँ, बड़ा नाम सुना था आपका, आज मिल भी लिया, बड़ी खुशी हुई। मेरा नाम है दुर्जन सिंह और यह है मेरा दोस्त लाला अग्रवाल, यह जोरावर अली और यह पिंटो। हम चारों वैसे जिंदगी में दोस्त भी हैं, लेकिन जंगलात की लकड़ी के ठेके में साझेदार भी। सुना है इस धंधे में बड़ा मुनाफा है। अरे मुनाफा काहे का साहब, ठेका मिलने से सप्लाई तक 200 लोगों की जेबें गरम करनी पड़ती हैं, अपनी पॉकेट में बचता ही क्या है। मगर सांप की खाल की स्मगलिंग में बड़ी कमाई है, और सुना है कि इस आदिवासी इलाके में यह धंधा बहुत पनप रहा है, इसलिए आप लोग जरा नजर रखिएगा। नजरें तो हम भी रखते हैं सरकार, लेकिन वो क्या है कि गैर कानूनी काम करने वालों को नजरों में धूल झोंकना भी अच्छी तरह से आता है। देखेंगे। Thank you.
ये शायद सांप का गोश्त है। जय शिव शंकर। होगा। अरे साहब ये जंगल है, यहाँ पता नहीं किस किस का गोश्त कहाँ कहाँ पड़ा होता है। लेकिन ये यहाँ कैसे पहुंचा? कोई चील कौवा गिरा गया होगा। ओ चील कौवा। आप ठीक कहते हैं, मुझे भी इस जंगल में कुछ ज्यादा ही चील कौवे नजर आते हैं। चलो, मेरा ये शक दिनों दिन पक्का होता जा रहा है कि लकड़ी काटने की आड़ में यहां सांपों की खाल का गैर कानूनी धंधा फल फूल रहा है। मैंने भी ठान लिया है कि एक न एक दिन इस जालसाजी का पर्दाफाश करके रहूंगा। आउच! ओह! क्या हुआ? हाथ तोड़ दिया है। हाथ की क्या बात, बंदे ने तो सुहागरात में बैठी था। ये बहुत मजबूत है। अच्छा, ये बात है तो चलो आजमा लेते हैं। क्या हुआ कमर? क्या हुआ कमर? मेरी कमर। मैं मालिश कर दूं? आप लेट जाओ। कहाँ? यहाँ। यहाँ? थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, जरा नीचे। ये क्या बदमाशी हो रही है? तुम्हारे हाथ थक गए होंगे, अब मैं तुम्हारी मालिश करूंगा। इतनी देर करती, हरी अब मुन्नी, स्कूल का टाइम हो रहा है। मम्मी मम्मी, आज पापा ने चेतक को बहुत तेज चलाया, बहुत तेज चलाया, बहुत मजा आया। पापा बहुत अच्छे हैं। चुप, देखो पापा की तारीफ करती है और मम्मी इंतजार करती है, उसका कुछ नहीं। बाप बेटी के प्यार को देखकर जलती हो। है मुन्नी, जलती है ना मम्मी? चलो तू ठंडा हो रहा है। साहब, गुड मॉर्निंग साहब। आओ भाई आओ, आओ। कौन है ये लोग? साहब ये गबरू है और ये कालिया, जो चार शहरी लोग फॉरेस्ट में मिले रहे ना, ये उन्हीं के आदमी हैं। यहाँ कैसे आना हुआ? सरकार डाली। डाली मतलब नजराना, भेंट। आप यहाँ नए आए हैं ना, तो प्यार मोहब्बत का व्यापार शुरू करने के लिए मालिक लोगों ने थोड़ी सी मिठाई भेजी है सरकार। अपने मालिकों से कहो कि विक्रम सिंह कड़वे आदमियों से अपना मुंह मीठा नहीं करवाता, और तुम लोग अपना सामान लेकर यहां से दफा हो जाओ। गेट आउट। जी सरकार। जी सरकार। क्या हुआ? वही जो नहीं होना चाहिए था। और बजरंग, याद रहे आइंदा ये लोग इस घर में आने की जरूरत न करें। जी सर। चलो बेटे। इंस्पेक्टर, ये जाम तुम्हारी वफादारी के नाम, तुम बस यूं ही बने रहो तो अपनी तो पाचो घी में है। और सर कढ़ाई में। क्यों पिंटू? पिंटू नहीं, पिंटो। ठाकुर साहब, आपकी महफिलों से ही तो जंगल में मंगल है। अरे रानी, मेरे गिलास में भी तो डाल दे थोड़ा सा अपने जाम का। अरे देखना, सिर्फ जाम ही डालना। हुजूर, विक्रम साहब ने डाली लेने से इनकार कर दिया। जय शिव शंकर। क्या कहा कमबख्त ने? कहा है कि विक्रम सिंह कड़वे लोगों से मुंह मीठा नहीं करवाएगा। ओ, लगता है सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। हमें टेढ़ी उंगली का इस्तेमाल भी करना आता है।
अरे कहाँ की तैयारी कर रही हो? मुझे यहाँ नहीं रहना। यहाँ नहीं रहना? फिर कहाँ रहना है? कहीं भी, मगर इस मनहूस जगह में नहीं। आज तो तुमने बचा लिया, लेकिन फिर कभी ऐसा हुआ तो? तब तो मुझे नौकरी से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जंगल में सांप बिच्छू तो होंगे ही, शेर भालू भी हो सकते हैं, और अगर हमारी मैम साहब ऐसे डरने लगे तो कैसे चलेगा? छी 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 छी, फॉरेस्ट ऑफिसर की बीवी और इतनी डरपोक, और वो सांप तो जहरीला भी नहीं था। आज नहीं था, कल जहरीला हो सकता है। होने दो, मेरे प्यार का अमृत जहरीले से जहरीले सांप को खत्म कर देगा। कम ऑन यार, चेयर अप। तुम अपने मोती जैसे दांत खजाने में क्यों बंद करके रखती हो? खोलती हो या खोलूं? तुम्हें तो हर वक्त एक ही बात सोचती है। तुम जैसी बंगाली रसगुल्ला बीवी जिसे मिल जाए उसे और सूझ भी क्या सकता है? छोड़ो भी, मुझे ढेरों काम करने हैं। मालूम है आज पापा पहली बार आ रहे हैं मुन्नी के जन्मदिन पर। पापा और बुलाओ, पापा और बुलाओ। पापा डर गए, पापा डर गए। तू भी डर गई थी। मैं नहीं डरी। डरी? वाह, पाप बेटी खेलने में मस्त है। मेरे पापा को स्टेशन से लाना है, किसी को याद है? डोंट वरी, पापा की गाड़ी आने में पूरा एक घंटा बाकी है, तब तक मैं जंगल का एक राउंड मारकर आता हूँ। जल्दी आना पापा। बस अभी आया बेटे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। बड़े मजबूत चमड़ी है सरकार। अरे अब चमड़ी कहाँ रह गई? ये तो दबड़ी बन गई। दबड़ी क्यों पिंटू? पिंटू नहीं लाला, पिंटो, समझे? ओ वही शिवशंकर। अरे ऐसा स्किन का तो फॉरेन में बहुत डिमांड है। अच्छा ठीक है ठीक है, जल्दी करो रे। साढ़े आठ बज गए हैं। बजरंग जी, तुम्हारे साहब को ड्यूटी के आगे कुछ याद ही नहीं रहता है। जी ऐसा करो, पापा को लेने तुम ही चले जाओ। लेकिन तुमने तो नाना को देखा ही नहीं, फिर? अरे बिटिया, रोज ही तो देखता हूँ, यही तो है तुम्हारे नाना। जल्दी करो, ट्रेन का वक्त हो रहा है। जी अभी जा रहा हूं। लगता कोई आ रहा है, आओ चलो जाओ। Thank you.
संभाल के बेटी, लग न जाए। मम्मी मम्मी, पापा आ गए, मैं छुप जाऊं? हाँ तुम छुप जाओ बेटी, जल्दी करो। हाँ कौन है आप? मेहमान। मैंने आपको पहचाना नहीं। लेकिन हम तो आपको पहचानते हैं ना। हाँ आप तो स्वर्गीय विक्रम सिंह की पत्नी है ना? क्या बकते हैं आप? बकते नहीं हैं, फरमा रहे हैं। निकल जाइए मेरे घर से। आप इनकी बात कर रही हैं ना? बेचारा अब वो कभी नहीं आएगा, उसे दरिंदर ने मार डाला। मगर आप मायूस ना हो, हम जो हैं। आपके जश्न का बंदोबस्त बेकार नहीं जाएगा। बनाने वाले को भी क्या बनाया है? ए लाला, अकेले अकेले नहीं, ए मिल बांट के खाएंगे रे। जी रहो भैया, हमारे पास तो अपना बनाना है। बनाना खाओगी? खाओ बनाना, खाओ खाओ ना बनाना, खाओ ना, खाओ थोड़ा सा। जय शिव शंकर। जानत है वही जहरी लोग। अरे जल्दी करो, जल्दी से निकल चलो। कालिया तू सामान गाड़ी में रख, जोरावर तू गबरू का हिसाब चुकता करके बाहर आ जा, हम इंतजार कर रहे हैं। आओ ठाकुर, वहां से तो कोई आ रहा है, इधर से चलते हैं। चलो आओ, चलो चलो। Come on!
मेरे घर को उजाड़ दिया। किसने मार डाला मेरे बच्चों को? बताता हूँ बताता हूँ, वो चारों शहर गए। कौन चारों? क्या बात है साहब, कहीं जा रहे हैं? आज महफिल नहीं जमेगी। अच्छा हुआ पाटिल तुम टाइम से आ गए हो, हम शहर जा रहे हैं। अंदर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, संभाल लेना। घबराने की कोई बात नहीं है साहब, हम किस मर्ज की दवा हैं। बड़े साहब मुन्नी बिटिया जिंदा है। बड़े साहब ये देखो मुन्नी। बड़े साहब एक मिनट इंस्पेक्टर, उस नाथिन का मुंह तो देख लो जिसे मिलने के लिए हजारों मील दूर से आया हूं। बड़े साहब ये सब कहां हुई गवाह? ये पुलिस आपको कहां लिए जा रही है? तुम्हारे बड़े साहब ने किसी का खून कर दिया है, ये खूनी है। नहीं। चलो अंदर चलो। नहीं नहीं, हमारे बड़े साहब ऐसा नहीं कर सकते, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। चलो ड्राइवर। बड़े साहब अब हम क्या करें काली भैया, क्या करें? क्या बात है, नींद नहीं आ रही है? पिंटो, अग्रवाल, जोरावर, दुर्जन सिंह, जिन चार लोगों की तरफ तुम पूरे यकीन के साथ उंगली उठा रहे हो ना इंस्पेक्टर राकेश, जानते हो वो इस शहर के इज्जतदार नागरिक हैं। इज्जतदार नागरिक नहीं सर, बल्कि सफेद पोश गुंडे जो हर बेकायदा काम इतने कायदे से करते हैं कि कोई सुराग नहीं छोड़ते। मसलन सांप के खाल की स्मगलिंग। सर मैं तुम्हारी मेहनत और वफादारी का कायल हूं राकेश, लेकिन युवा पीढ़ी अपनी जवानी के जोश में अक्सर गलत फैसलों पर पहुंच जाती है। सर आप ये फाइल पढ़िए, इसमें चारों के कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड दर्ज हैं। मैं इन कागजों पर नहीं सबूतों पर यकीन करता हूं। अगर तुम इतने ही कॉन्फिडेंट हो तो आज तक कोई ठोस चीज सामने क्यों नहीं आ सकी? मैं मौके की तलाश में था सर, और लगता है मौका आ चुका है। मतलब? मुजरिम त्रिलोकचंद इन चारों का पुराना दुश्मन है। ये दुश्मनी क्यों है, इसके पीछे क्या कहानी है, ये जानने के लिए मैं त्रिलोकचंद को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहता हूं सर। वो कैसे? त्रिलोकचंद पैरोल पर छूटने वाला है, अगर आप मुझे उसका पैरोल ऑफिसर बना दें तो मैं उस पर पूरी निगरानी रख सकूंगा। मुझे यकीन है कि त्रिलोक छूटने के बाद अपना पुराना हिसाब चुकाने के लिए आगे जरूर बढ़ेगा, और उन चार इज्जतदार सफेद पोशों के काले कारनामों का बही खाता अपने आप खुल जाएगा। ओके यंग मैन, हमने ये केस तुम्हारे हवाले किया, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। आपके लिए एक खुशखबरी लाया हूं त्रिलोकचंद जी। पुलिस वालों से खुशखबरी की अब मैं क्या उम्मीद रखूं? मैं सिर्फ पुलिस ऑफिसर ही नहीं, अब मैं आपका पैरोल ऑफिसर भी हो गया हूं। पैरोल? जी हां, कल आपको मेरी निगरानी में रिहा किया जा रहा है। मेरा नाम राकेश वर्मा है, सुबह ठीक 10 बजे आपको लेने आ जाऊंगा। गुड बाय। मुबारक हो त्रिलोक साहब, आपके जाने की जितनी मुझे खुशी है उतना कम भी। अरसे बाद एक नेक आदमी के साथ रहने का मौका मिला था।
मुझे तो लगता है दो दिन बाद मैं फिर इन सलाखों के पीछे आ जाऊंगा। कैसी बातें करते हैं आप साहब? अरे जगह कोई आपके लायक है? एक बार गलती से आ गए तो क्या? हम तो तहे दिल से चाहते हैं अल्लाह आपको आपकी नवासी से जल्दी मिलाए, ताकि आपकी बाकी की जिंदगी अमर और चैन से गुजरे। ये मेरी किस्मत में नहीं है खान, उस बात को 11 साल हो चुके हैं, फिर भी बेटी दामाद के खून की याद अभी भी सीने में नश्तर चुप हो रही है। सीने का यह दर्द अब तभी खत्म होगा जब उस चौकड़ी का नामो निशान मिटा दूंगा। अरे अपने पाक हाथों को किसी के गंदे खून से नापाक क्यों करते हैं आप? ये काम तो हम जैसे पेशेवर मुजरिमों का है। कुछ ही दिनों की तो बात है, मुझे बाहर निकलने दीजिए, इशारा भर कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अरे आप तो अपनी नवासी को ढूंढिए, माशाल्लाह जवान हो गई होगी। रब्बा
जब से होश संभाला तुम्हें ही मां समझा, तुम्हें ही मां कहा। अपना ये प्यार भरा हाथ मेरे सर से कभी मत हटाना मैया, कभी नहीं। से साथ साथ खेलकर बड़े हुए, आज अचानक तुम्हारी नियत बिगड़ गई। कुत्तो, बचपन का खेल तो बहुत खेल चुके, अब जवानी का खेल खेलेंगे? नहीं, नहीं। बिटिया, क्या बात है? तेरी सांस क्यों खड़ रही है? चला बैठ, छांव में बैठ। अरे काल बना रखा है, कहीं फिसल फिसल तो नहीं गई? काका वाशु, वाशु का क्या उस हरामजादे ने? काका वाशु मर गया। मर गया? वाशु मर गया। कैसे? वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था तो मैंने उसे काट लिया, वो मर गया। अरे इसका शरीर तो एकदम नीला पड़ गया, इसको सांप ने काटा है? सांप ने नहीं बाबा, निशान है। क्या? जय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय जय नमः। बाबा जय काली। काय बजरंगी? साहब की बिटिया है बाबा, बदनसीब ने अपनी आंखन से महाप्रलय होती देखी, सो दहशत खा गई, सोती नहीं, जरा आंख लगती है तो चीखने लगती है। कोई दवा हो तो दे दे बाबा, बेचारी को तनिक चैन पड़े। ला इधर ला। आ मुन्नी, आ आज। घबराओ नहीं बेटे, मुंह खोलो। मात्रा का ध्यान रखना। जी मुन्नी, मुंह खोल मुन्नी, मुंह खोल, मुंह खोल। बजरंगी ने दवाई की मात्रा का ध्यान नहीं रखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की के भेष में वो छुड़ैल हो? नहीं, उसके शरीर में विष, वो विष कन्या है। विष कन्या? विष कन्या? बाबा ये गांव के लिए एक तरह से महामारी है। हाँ हाँ, और क्या? अरे लड़की सुंदर है, जवान है, हैं? किसी को भी अपने रूप का दीवाना बना सकता है क्यों? नहीं नहीं, इससे पहले हम उसे खत्म कर देंगे। हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। विष कन्या हमारे गाँव में नहीं रह सकती। देखो भाइयों, उत्तेजना में कोई भी कदम उठाना उचित नहीं है। वाशु निशा के हाथों अनजाने में मारा गया, लेकिन जानते बूझते हुए किसी बेकसूर लड़की को मारना पाप है। मैं उस लड़की को विषमुक्त कर सकता हूं, मैं इस विष की काट जानता हूं, लेकिन उस औषधि के लिए जिन जड़ी बूटियों की आवश्यकता है उसके लिए मुझे विंध्याचल जाना होगा।
और वापस आकर के मैं उपचार आरंभ कर दूंगा। तब तक आप सब लोग उस विषकन्या से दूर रहिए। अब शांतिपूर्वक तुम लोग अपने अपने घर जाओ। जय काली। शांति कैसी गांव वालों, उसके उपचार में पता नहीं कितना समय लगे। इससे तो अच्छा है इस विष को जड़ समेत नष्ट कर दिया जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। कैसे लगी? पता नहीं कैसे लगी सरकार, घास फूस के झोपड़े हैं, आग पकड़ते देर लगती है क्या? ये झोपड़ा किसका है? जी बजरंग का सरकार। उसके साथ कोई लड़की भी रहती थी? हाँ सरकार। मेरी मुन्नी, मेरी मुन्नी, मेरी मुन्नी, मुन्नी। दुनिया तुझे माँ कहती है, लेकिन कैसी माँ है तू? बार बार अपने ही बच्चों की परीक्षा लेती है, उन्हें इतना सताती है कि जीवन पर से उनका भरोसा ही उठ जाए। पहले माँ बाप छीन लिए और आज उसे भी छीन लिया जिसने माँ बाप दोनों का प्यार दिया। फिर मुझे ही अकेला क्यों छोड़ दिया है माँ? बोलो माँ, बताओ। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है माँ, मुझे जीने का मकसद मिल गया है। न मिला है न मिलेगा मुझे आराम कहीं, न मिला है न मिलेगा मुझे आराम कहीं। मैं मुसाफिर हूं। अला बालिया छोकरी वटे मत। उस्ताद लगती तो छोकरी है लेकिन ऐसे सुनसान जंगल में जरूर कोई चुड़ैल होगी। अरे चुड़ैल के पैर तो पीछे होते हैं। ये तो 100% छोकरी है छोकरी। चल चल के देखते हैं। तो साइड देख उस्ताद, इधर ही आ रही है। हाँ
भैया मुझे शहर तक छोड़ दीजिए। भैया क्यों नहीं, तुम जहां तक कहोगी वहां तक छोड़ दूंगा। आजा आजा। हाँ इंग्लैंड देखे क्या? बम्पर तो बम्पर है जड़िया। अरे पिकअप तो अच्छा ही होगा, चलाने को मजा आएगा। अरे बदतमीज, रोको, मैं कहती हूँ गाड़ी रोको। हैं? जरा शहर तो आने दे। हराम साथे, रोकता है या मजा चखाऊं? मजा चखाएगी? हाय गुलबदन, तेरे मजा का तो इंतजार कर रहा हूं मैं। दाद, चेक पोस्ट आ गया। ज्यादा गड़बड़ नहीं करने का। साहिब, राम राम साहिब। माल क्या है? हाँ साहिब, लकड़ी है साहिब। और ये लड़की? हमारी गांव वाली है। नीचे उतरो और माल दिखाओ। पपलू आ रहा है, देख अपना फॉर्मूला 44। आका खोल दे, चल जल्दी। Thank you.
तो तुम्हें कुछ नहीं मालूम है? साहब, साहब तुमने मार मार के मेरे सारे टायर पंक्चर कर डाले साहब। साहब अब सिग्नल दो ना, मैं जाऊं। तुम्हें ये भी नहीं पता था कि लकड़ियों के अंदर सांप की खाली स्मगल है? ऐसी यार, मेरे गाड़ी की कसम खा के बोलता हूँ साहब, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरी गाड़ी ब्रेक फेल हो जाएंगे, गाड़ी गड्ढे में पड़ जाएगी साहब। तो तुम्हें ये भी नहीं मालूम होगा कि ट्रक के मालिक का अता पता क्या है? नहीं साहब, पता साहब, मैं सच बोलता हूँ फुल लाइफ की तरह साहब। साहब मैं बेकसूर हूँ साहब। तुम्हारा मुंह खुलाने का मेरे पास और भी तरीका है। हट। नहीं साहब, साहब मेरे बात मानो साहब। जितना करारा जवान उतना ही करारा हाथ। तुझे भी एक पड़ गया तो छुट्टी समझ। अब भोली भाली गंवार बनने का नाटक कर, वरना ये लंबू तुझे भी लंबा कर देगा। बताओ क्या जानती हो तुम? साहब जी, मैं कसम खाती हूँ, मैं उस बदमाश के बारे में कुछ नहीं जानती। मेरा यकीन करो, मैं वैसे भी अनपढ़ गवार लड़की हूँ। अच्छा, मैं चलूँ? नमस्ते। चलो। चुप करो, जाओ यहाँ से। सच? मैं जाओ, जाओ यहाँ से। साहब जी, नमस्ते। सुनो, अब क्या हुआ साहब जी? इतनी रात गए, अकेले कहां जाओगी? साहब जी, मैंने नहा तो लिया, अगर मैं पहनूंगी क्या? मेरे पास तो कोई कपड़े नहीं है। हाँ, ये लीजिए। वाह भाई, कपड़े भी नहीं है, घर भी नहीं है, कोई भी नहीं, कमाल है। चार दिन से पेट में अन्न का दाना नहीं पड़ा, लेकिन तुम्हें इससे क्या? चाहे मैं जीऊं, चाहे मैं मरूं, तुम्हें तो बस नहलाने की पड़ी थी। अरे साहब जी, आप तो यूं घूर रहे हो जैसे खाना खिलाने के बदले मुझे ही खा जाओगे। नहीं, खाना लगाया हुआ है मैंने। आओ आओ, आओ, खाना लगाया हुआ है मैंने, बैठो। सब्जी बहुत बढ़िया है। हाँ, बहुत अच्छी है। ये लो और खाओ। साहब जी, आपने तो खाना ही नहीं खाया। आपको इस तरह खाते देखकर मेरा पेट भी भर गया। अभी तो बड़ी नींद आ रही है साहब जी। बिस्तर लगा हुआ है, आओ। ये लो। मैं यहाँ? नहीं नहीं, यहाँ नहीं तो कहाँ? चलो चलो, तुम यहाँ सो, मैं बाहर सोता हूँ। अरे पिंटू, तो बहुत टाइम लगाता है पत्ता फेंकने में, जल्दी फेंक यार। ये ले, फेंका रे। ये लो। हजूर, हमारा माल ट्रक समेत पकड़ा गया। जय शिव शंकर। कल का लौंडा इंस्पेक्टर राकेश हमसे टक्कर लेने चला, अब तो लगता है चींटियों के भी पर निकल आए हैं। हाँ?
देर हो गई साहब जी, उठाया क्यों नहीं? मेरा नाम राकेश वर्मा है साहब जी, नहीं और उठाता तो मैं वैसे नहीं, ड्यूटी पे जाना था इसीलिए। आपके लिए चाय। क्या हुआ साहब जी? कुछ नहीं। चाय कैसी है? अच्छी है मगर चीनी जरा सी ज्यादा है। नहीं नहीं कम, मैं बहुत मीठी पीती हूं ना। तभी क्या? तभी चलता हूं, तुम्हारे ट्रक ड्राइवर प्यारेलाल का बयान लेना है। किस साले का नाम ले लिया सवेरे सवेरे, साला कुत्ता। ये तुम्हें गालियां देना किसने सिखाया है? गाली? कौन साला देता है गाली? देखो मैडम, ये शहर है, अगर यहां रहना है तो अपने तौर तरीके बदलने होंगे। ठीक है, मगर छोड़ना मत उस साले को, बदतमीजी कर रहा था मेरे साथ। छोड़ूंगा कैसे, ट्रक में जो लकड़ियां थी उनके अंदर से सांप की खालें बरामद हुई हैं। हो ना हो, इसके पीछे दुर्जन सिंह का हाथ जरूर होगा। ये कौन है साहब जी? है एक चालाक मुजरिम जो अब तक कानून के हाथों से बचा हुआ है। मैं वापसी में तुम्हारे लिए कुछ कपड़े ले आऊंगा, फिर सोचेंगे तुम्हें कहां रखना है। हे काली मां, तुम्हारे आशीर्वाद से मैं सही जगह पहुंच गई। अब दुर्जन सिंह और उसके साथी मेरे हाथों से नहीं बचेंगे। अरे भैया पिंटू। अरे आए, पिंटू नहीं पिंटो। हाँ पिंटू साहब, ये गुल्ली डंडा नहीं गोल्फ है, इसमें बॉल जो है वो दलदल में नहीं पिल्लू में डालते हैं। ठीक है लाला, देखते हैं तेरा भी निशाना कैसा है। आ। अरे हम तो बचपन से खेलते आए हैं ये खेल, अभी दिखाते हैं तुमको। भैया जरा बैठ देना, अभी दिखाते हैं, जस्ट नाउ। कौआ चला हंस की चाल, दिस इज तो हुई गेंद। ला भैया बैठ देना, एक अच्छा सा है। हाँ ये स्टील वाला, लो जी अब हम इसे पीटेंगे। लेट्स बीट इट, लेट्स बीट इट। बीट लिया। मिस्टेक हो गई। कचौट ऐसे शॉट बोलते हैं, तेरे और लाला के बस की बात नहीं है। लाला तो क्या है, मुंह धोने अपना। निकाल। कौन है तू? तुम्हारी मौत। ए बुढ़े जबान संभाल, जानता नहीं तू किससे बात कर रहा है? जानता हूं, जिन दरिंदों ने मेरी जिंदगी उजाड़ दी उन्हें मैं कैसे भूल सकता हूं। दुर्जन सिंह, अब तुम लोगों का खेल खत्म हुआ समझे? कर आया था, तेरी मौत तो हम हैं। हट, हमारा खेल खत्म करने आया था। अरे बुढ़े खेल तो अभी शुरू हुआ है। हट,
मौत बन के आया था हमारी हमारी चलोट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आओ बैठो, चाय लोगे? नहीं सर, थैंक यू। सर उस दिन जो ट्रक पकड़ा था उसके ड्राइवर ने दुर्जन सिंह के खिलाफ गवाही देने की हामी भर दी है। वेरी गुड। बरसों की भागदौड़ के बाद लगता है कामयाबी अपने करीब है। ऑल द क्रेडिट गोज टू यू। थैंक यू सर। बाय द वे, ये इंफॉर्मेशन तुम्हें त्रिलोकचंद के जरिए मिली? नहीं सर, उन्हें तो पुलिस वालों पर बिल्कुल यकीन ही नहीं। मेरे लाख पूछने पर भी उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। लेकिन मेरा यह शक है सर कि जेल से छूटते ही वो दुर्जन और उसके साथियों के पास बदला लेने गए और अपनी टांगें तोड़वा ली। विद योर परमिशन सर, जो लड़की हमें ट्रक में मिली थी उसे मैं उनके घर नर्स बना के रख दूं? आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन अगर उस लड़की ने अपनी असलियत खोल दी तो? दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी सर। पी के देखिए सर, शक्कर दूध सब ठीक है ना? मैंने थोड़ी सी अदरक भी डाली थी। वाह, बरसों बाद ऐसी चाय पीने को मिली है। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? निशा। बड़ा प्यारा नाम है। सर आप? मुझे अंकल कहो बेटी। अच्छा अंकल, आप अखबार पढ़िए और तब तक मैं आपके नहाने का पानी गर्म कर देती हूँ। सुनो, इतनी आदतें बिगाड़ कर कहीं चली तो नहीं जाओगी? आप जाने ही मत दीजिएगा। साहब जी, जब तुम चली गई हो तो अपना एहसास पीछे क्यों छोड़ गई हो? साहब जी, साहब जी, तुम? मैं अपनी पायल लेने आई थी। मैं तो समझा। क्या समझे? शायद इन दीवानों की याद आ गई हो। तो ना। क्या? पायल? यू नहीं। फिर कैसे? हम इसे अपने हाथों से पहनाएंगे आपको। Thank you.
जाने जा मुझे ऐसा क्या हुआ, देखा तुझे पल भर में जन्मों का नाता हुआ। जाने जा मुझे ऐसा क्या हुआ, देखा तुझे पल भर में जन्मों का नाता हुआ। दिल मेरा खो गया, खो गया दिल मेरा, दिल मेरा जाने जा मुझे ऐसा क्या हुआ, देखा तुझे पल भर में पल भर में जन्म का नाता हुआ। जन्म का दाता
कुछ फूल इस फूल के लिए लाया हूं। बचके इस फूल में कांटे भी हैं। कौन है बेटी? अरे राकेश तुम आओ। ये क्या, सुंदर जवान लड़की देखी और इस बूढ़े को भूल गए? ये मेरी नई नर्स है निशा। देखिए अंकल, ये आपके लिए कितने सुंदर फूल लाए हैं। अच्छा, फूल तो पहले कभी नहीं लाया ये मेरे लिए। हाँ, हथकड़ियां जरूर जेब में छुपा के रखता होगा। ये इंस्पेक्टर राकेश है, मेरा पैरोल ऑफिसर। हेलो। हेलो। हर मंडे मेरी खबर लेने यहाँ आता है, लेकिन राकेश आज सोमवार तो नहीं, इतवार है। समझा। लगता है सारे शहर में ऐलान हो गया कि मेरे घर में एक प्यारी लड़की नर्स बनकर आई है। अंकल, मैं इन फूलों को गुलदस्ते में डाल देती हूँ। मुझे तो डर है तुम्हें पुलिस फोर्स बुलानी पड़ेगी। क्यों? इसलिए कि कहीं अच्छी खासी भीड़ ना जम जाए निशा को देखने के लिए। लगता है आज आप काफी मजाक के मूड में हैं। मैं तो आपको सिर्फ ये बताने आया था कि आपके जेल का साथी वली खान कल जेल से रिहा हो चुका है। कहिए। वली खान साहब यहाँ। बंदे को ही वली खान कहते हैं। आइए तशरीफ रखिए। जी नहीं, मैं जरा जल्दी में हूँ। त्रिलोक चंद जी ने आपके नाम ये खत भेजा है। खैरियत तो है, वो खुद क्यों नहीं आए? एक हादसे में उनके पांव टूट गए, वो तो चलने फिरने के काबिल नहीं है। ये तो बहुत बुरी खबर है। मैं अल्लाह ताला से उनकी सलामती की दुआ मांगूंगा, उन्हें मेरा सलाम कहिएगा। जी मैं चलती हूँ। याद है मैंने तुमसे उस चौकड़ी का जिक्र किया था? आज उन्हीं लोगों ने मुझे एक बेसहारा अपाहिज बना दिया है। अब तुम आ गए हो दोस्त, तुम्हें एक एक करके उनसे मेरा हिसाब चुकाना है। सुभान अल्लाह, परसों बाद खंजर की जगह हाथों में सांस देखकर ताजुब हो रहा है। अरे बरस कितने भी जाए जान मेरी, लेकिन हारमोनियम बजाना हम नहीं भूले, और भूल भी कैसे सकते हैं गुल्ले गुलफाम? इसी सांस ने तो हमारी सुनी जिंदगी में यह शमा रोशन की थी। क्यों शमा, याद है ना? हाँ जानू, सब कुछ याद है, लेकिन वो पहली मुलाकात आज तक आगाज बनी हुई है। खुदा जाने वो अंजाम की मंजिल का मुंह देखेगी या नहीं। कैसी बातें करती हो मेरी बुलबुल। अरे मंजिल तक पहुंचा किसका ख्वाब नहीं, कितना मीठा ख्वाब देखा था हमने। एक छोटा सा घर हो, उसमें छोटे छोटे लीला। बस कीजिए, जिनके रास्ते टेढ़े मेढ़े हों उन्हें मंजिल के ख्वाब देखने का कोई हक नहीं होता। हौसला रखो जान मेरी, अब और देर नहीं होगी। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें आखिरी बार अपनी जिंदगी में घुंघरू बांधने पड़ेंगे। त्रिलोकचंद जी ने पूछा तो होगा कहां जा रही हो? नहीं, खाने के बाद वो डेढ़ दो घंटे आराम करते हैं, मैं चली आई। दिन में आराम करते हैं और बाकी वक्त में? अक्सर छत पर बैठे खोए खोए से समुंदर में गुजरती हुई नाव को देखा करते हैं। अपने बारे में कुछ कहा उन्होंने तुमसे? पूछती हूँ तो टाल जाते हैं। अरे हाँ, उन्होंने मेरे हाथों किसी खान को चिट्ठी भिजवाई थी। क्या लिखा था चिट्ठी में? उफ़ो, मैंने तो मीठी लस्सी मंगवाई थी, ये तो नमकीन है। ग्लास बदल गए होंगे। अरे सॉरी। ये क्या किया निशा? और क्या, मेरा जूठा पियोगे?
कहते हैं झूठा पीने से आपस में प्यार बढ़ता है। अब त्रिलोकचंद जी के उठने का वक्त हो गया है, मैं चलती हूँ। बेटा मैं एक जरूरी मीटिंग में जा रहा हूँ, एक घंटे में लौटूंगा। गुड मॉर्निंग सर। राकेश क्या बात है? सर आज वो ट्रक ड्राइवर प्यारेलाल की गवाही है, कोर्ट जा रहा था, सोचा आपसे आशीर्वाद लेता जाऊं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। वो जेल से कोर्ट ले जाने तक उसकी हिफाजत का इंतजाम तो पक्का है ना? आप बेफिक्र रहिए सर, वो सिपाहियों से घिरा हुआ है। सलाम साहब। हाँ राम 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 राम। हाँ सलाम। जल्दी हटाओ। कालिया तूने तो कमाल कर दिया, ले आज तू भी विलायती शराब पी। सिर्फ शराब? शराब नहीं, मौका तो जश्न का है, कुछ नाच और गाना हो जाए। शमा बानू की नौटंकी के बड़े चर्चे सुने हैं पिंटू। ए पिंटू नहीं, पिंटो पिंटो पिंटो। ओ, कहते हैं जब नाचती है ना तो 440 वोल्ट का Thank you.
तो बोल कि घोड़ी पे मेरी तू चाबुक चलाई दे, चल चल भी घोड़ी पे चाबुक चलाई दे, रसिया मोहे गलमा मोहे, अरे राजा मोहे बागों में झूला झुलाई दे, इतना झुलाई दे दीवाना बनाई दे। जालिम की मछली पे मेरी तू काटा फसाई दे, छोटी छोटी मछली पे काटा फसाई दे, सजना मोहे सैया मोहे, अरे राजा मोहे बागों में झूला झुलाई दे, इतना झुलाई दे दीवाना बनाई दे। मैं साड़ी बिछाऊं तू साबुन लगाई दे, सलमा मेरी साड़ी पे साबुन लगाई दे, रसिया मोहे सैया मोहे, हाँ राजा मोहे बागों में झूला झुलाई दे, इतना झुलाई दे दीवाना। नागन मैं जब फन उठाऊं तू बीन बजाई दे, सर पे ये नागन तू बीन बजाई दे, बलमा मोहे रसिया मोहे, अरे राजा मोहे बागों में झूला झुलाई दे, इतना झुलाई दे दीवाना बनाई दे, बागों में झुलाई दे बाहरों में झुलाई दे, घर पे भुलाई दे गगनवा झुलाई दे, राजा मोहे झूला झुलाई दे, इतना झुलाई दे दीवाना बनाई दे। कौन है तू? तुम्हारा ही मुकद्दर हूं और ऐसी रात लाया हूं तुम्हारी मौत का चेहरा मैं अपने साथ लाया हूं। इसरार इतनी रात हो गई वो अभी तक नहीं आए, मेरा तो दिल घबरा रहा है और ये मुई बाई आंख में फड़के जा रही है। घबराइए मत भाई जी, ये कोई नई बात है, खान साहब को तो खतरों से खेलने की आदत है, मामला ठंडा होते ही वापस आ जाएंगे। हे परवरदिगार खैर रखना। क्यों दरावर हराम ज्यादा बका कि नहीं बका? बस चमड़ी है साले की, कुछ बोलता ही नहीं है। बोल। ओ
बकेगा, अभी बकेगा हरामजादा। इधर ला, ये हरामजादा बकेगा। और कुत्ते, तुझे किसने हमारी मौत का जाल बिछाने के लिए कहा था? बोल, नहीं तो ये चमड़ी जलाकर नरम कर दूंगा हरामजादे। बोल, तुझे किसने भेजा था? कालिया, इस हरामजादे पे नजर रखना, इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है जब तक ये जबान नहीं खोलता। आओ जरावर। सॉरी आई एम लेट, आइए। जरा ये फाइल पकड़ लेना। जानती हो क्या, जिस ट्रक ड्राइवर ने तुम्हें लिफ्ट दी थी, हाँ, इससे पहले कि वो अदालत आकर अपना बयान दे, हाँ, दुर्जन सिंह और उसके साथियों ने उसे मार डाला। जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। यही तो मैं चाहता हूँ, इसलिए मैंने दुर्जन सिंह और उसके साथियों के सारे काले कारनामों का लेखा जोखा इस फाइल में दर्ज कर दिया है। देखना, एक ना एक दिन उसे अपनी करनी का फल जरूर मिलेगा। ऐसी बातें करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? पुलिस वाला हूँ ना, रोमांस करना नहीं आता। आइसक्रीम खिलाना तो आता है ना, वो देखो उधर। Thank you.
जाने मन समझो इशारे हो जाने मन दिल ये पुकारे जाने मन क्या जिए बिन तुम्हारे कमिन। क्या बात है मैडम, आपने तो पहली बार में ही किला फतेह कर लिया। मैंने भी बॉस से पूछे बिना आपको शो करने की परमिशन दे दी थी, लेकिन डर भी लग रहा था कि कहीं कुछ कमी रह गई तो पिंटो साहब मेरी छुट्टी कर देंगे। कमाल कर दिया बस आपने। आप जरा बाहर जाएंगे, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। चेंज तो आप बाद में करना मैडम, पिंटो साहब ने अभी तुरंत आपको बुलाया है। कह रहे थे मैडम का कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट कर दो। जाइए, पिंटो साहब ऊपर अपने सूट में आपका बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। कम इन, दरवाजा खुला है। वेलकम। कंग्रेचुलेशंस, तुम बहुत अच्छा डांस किया। थैंक यू सर, मुझे खुशी हुई कि आपको पसंद आया। पसंद तो हमें तुम भी आया। हम सोचते हम तुमको हमारा क्लब में परमानेंट डांसर बना देगा, मगर मगर क्या सर,
उसके बदले हमें क्या मिलेगा? आप जो भी चाहें सर। स्मार्ट गर्ल, बहुत समझदार हो। लेट्स सेलिब्रेट योर न्यू अपॉइंटमेंट। ये दुनिया का सबसे अच्छा स्कॉच है। चीज। इसे पीकर देखिए, इसका नशा दुनिया भुला देगा। क्यों नहीं, ये तो तुम्हारे होंठ से छू कर आया है। चीज। मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? क्योंकि शराब में जहर है। जहर? याद करो पिंटो, कई साल पहले तुमने फॉरेस्ट ऑफिसर विक्रम सिंह की मीठी जिंदगी में जहर घोल दिया था। आज वही जहर तुम्हारी मौत बनकर आया है। लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। लगता है किसी सांप ने काटा है। सांप ने? आज के शो में उस डांसर के पास एक सांप था। डांसर? कौन थी वो? पिंटो साहब ने क्लब के लिए एक कैबरे डांसर की फरमाइश की थी तो मैंने अखबार में इश्तहार दिया था। आज रात एक लड़की आई जिसने इतना बढ़िया डांस किया कि पिंटो साहब खुश हो गए और बाद में उन्होंने उसे अपने स्वीट में भेजने के लिए कहा था। उसका कोई अता पता, कोई तस्वीर? नो सर, वो आज ही तो आई थी। इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए इस लड़की का मिलना बहुत जरूरी है। इंस्पेक्टर राकेश वर्मा है। मैं प्राचीन भारतीय इतिहास संस्थान का अध्यक्ष प्रोफेसर त्रिवेदी बोल रहा हूँ। क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? आज के समाचार पत्र में जो मिस्टर पिंटो की रहस्यमय मौत का समाचार है, मैंने बहुत ही दिलचस्पी के साथ पढ़ा है। मेरे विचार में इस हत्या के पीछे किसी विषकन्या का हाथ है। विषकन्या? जी हाँ, हमारे वेदों और पुराणों में प्राचीन काल में विषकन्याओं का उल्लेख है। देखिए प्रोफेसर त्रिवेदी, With all due respect to you, we are nearing the end of the 20th century. कानून को जरूरत होती है गवाहों और सबूतों की। ये आपके प्राचीन कालीन इतिहास और माइथोलॉजी के बल पर हमारा पुलिस डिपार्टमेंट किसी को कातिल नहीं साबित कर सकता। आपके सुझाव का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप मुझे अपना काम करने दीजिए। गुड बाय। खान साहब हैं? आप कौन हैं? जी, उनके दोस्त त्रिलोकचंद जी ने ये खत भेजा है। खत? ये मौत का परवाना? जी, मैं समझी नहीं। पहला खत भी आप ही लाई थी ना? जी। जानती हैं उसका अंजाम क्या हुआ? हाँ, उसी दिन से वो लापता है। लेकिन क्यों? इसका जवाब तो आप त्रिलोकचंद जी से पूछेगा। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। क्या बात है लाला, आज सुबह सुबह जय शिव शंकर की रट लगा रखी है।
अरे हम तो समझे थे कि रात की खुमारी अभी उतरी नहीं होगी तेरी। अरे खबर सुनोगे ठाकुर तो खुमारी क्या होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। अरे ऐसी क्या खबर लाए हो लाला जिससे हमारे होश उड़ जाएंगे। क्लब में कल रात पिंटू का कत्ल हो गया। हाँ लाश का रंग नीला पड़ गया था। मौत जरूर सांप के जहर से हुई है। सांप के जहर से? कल रात उस डांसर के पास एक सांप था ना। कहाँ है वो लड़की? मेरे बदले की आग का एक शोला तुमने बुझा दिया जिसका नाम था पिंटो। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दोस्त मेरे धधकते हुए दिल को उसी दिन ठंडक पहुंचेगी जब अखबार की सुर्खियों में बाकी तीन नाम भी छपेंगे। अंकल आओ बेटी, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। खान ने क्या कहा? वो तो उसी दिन से लापता है जिस दिन से वो आपका काम करने निकले थे। इसका मतलब पिंटो का खून करके वो वापस ही नहीं लौटा। शायद पूरा काम करके ही आएगा। अंकल। हाँ बेटी। मैंने आपका खत पढ़ लिया है। ये कैसे बदले की आग आप अपने सीने में छुपाए बैठे हैं अंकल? अगर आप सचमुच मुझे अपनी बेटी मानते हैं तो मुझसे अपना दर्द बांटते क्यों नहीं? क्या बताऊं बेटी, 11 साल पहले की बात है। 4 दरिंदों ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मुझे झूठे इल्जाम में जेल भिजवा दिया। मेरी बेटी और दामाद का कत्ल कर दिया। मेरे घुटने तोड़कर हमेशा के लिए मुझे अपाहिज बना दिया। मैं बस इसी उम्मीद में इस जिस्म को ढोए जा रहा हूं जिस दिन दुनिया से उन दरिंदों का वजूद मिटे मैं अपनी लाडली बेटी और दामाद का श्राद्ध करके उनकी आत्मा को शांति पहुंचा सकूं। बस इसी काम में खान मेरी मदद कर रहा है। आपकी बेटी और दामाद ने उन लोगों का क्या बिगाड़ा था? मेरा दामाद शेषपुर गांव में फॉरेस्ट ऑफिसर था और वहां पर ये लोग। क्या नाम था उनका? विक्रम सिंह और बेटी का नाम सोनाली। उनकी एक बच्ची भी थी मुन्नी। लेकिन तुमने तो नाना को देखा ही नहीं। अरे बिटिया, रोज ही तो देखता हूँ। यही तो है तुम्हारे नाना। बेटी। जी अंकल। सुनो, देखो बेटी, राकेश को ये बातें भूल से भी मत बताना, नहीं तो खान को वो मेरा काम नहीं करने देगा। नहीं बताओगी ना? प्रॉमिस। मां काली के सामने जो तूने कसम खाई थी वो अब तक अधूरी है। अभी वक्त नहीं आया कि तेरे नाना को तेरी असलियत का पता चले। हे निशा, नीचे आओ। निशा जी, आज आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? अरे खामोश क्यों हो? इतनी खूबसूरत रात है और तुम्हारा साथ है, चलो कहीं घूमने चले। नहीं, त्रिलोक जी से पूछे बिना अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों, कुछ कह रहे थे क्या? नहीं, जो मुझे बेटी की तरह प्यार करता हो उसे मैं धोखा नहीं दूंगी और आइंदा तुम्हारे लिए उनकी जासूसी भी नहीं करूंगी। लेकिन राकेश, भगवान के लिए तुम इसी वक्त यहां से चले जाओ, चले जाओ।
भाई नहीं सुनता, ये फ्लोर अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? प्रॉब्लम क्या है सर? वो एफएसआई का प्रॉब्लम। ओहो भैया तुम इस फ्लोर की तरफ ध्यान दो, एफएसआई का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेंगे जी। हमारी पॉइंट बहुत ऊपर तक है, बहुत ऊपर तक है हमारी पहुंच। अच्छी है। हेलो हेलो, हेलो, जय शिव शंकर। सीढ़ी से प्रॉपरली आता हूँ। मर गया। बनाने वाले ने भी क्या बनाया है, बनाना। अब तू खा। अब तू तेरे होठों से लगकर गुलाब जामुन हो गया होगा ये। आओ बचा लो। जब तेरे साथियों ने मिलकर मेरे बाप विक्रम सिंह का खून किया था, क्या तूने बचाया था? जब मेरी माँ के साथ जबरदस्ती की थी तब तुझे बहुत मजा आया था। अब जा मजे कर तेरे दोस्त पिंटो के साथ नर्क में। अरे जल्दी करो, अरे जल्दी पानी में गिर गए, जल्दी आओ मार के निकालना जल्दी। अरे आराम से पकड़ो, आराम से उठाओ। शाबाश शाबाश, आराम से निकालो, आराम से शाबाश। पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। ऊपर से गिरे साहब, वहां से लाला जी को ऊपर जाते हुए देखा किसी ने? मैंने साहब। इनके साथ और कोई था? एक नई लड़की थी साहब, आज ही आई थी काम पे, मैंने कभी पहले नहीं देखी। ठीक पिंटो की तरह इस वारदात में भी लाश का रंग नीला और एक लड़की। हमारे जिस मजबूत किले में परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, आज उसकी दो दीवारें गिर चुकी हैं। इससे पहले कि कोई तीसरी दीवार गिरे, हमारा यह जानना बहुत जरूरी हो गया है
कि कोई लड़की और सांप के चक्कर में हमें गुमराह तो नहीं कर रहा है। ऐसी कौन सी जहरीली नागिन पैदा हो गई जोरावर, जिसकी खाल हम आज तक नहीं उधेड़ सके? खाल तो तुम्हें अपनी बचानी है दुर्जन। अगर तुम उसके जहर से बच भी गए तो कानून की गिरफ्त से नहीं बच पाओगे। जिस गिरफ्त का तुम दम भरते हो इंस्पेक्टर, उससे तो हम अपनी चालाकी से हमेशा ही बचते आए हैं। यह तुम्हारी चालाकी नहीं, कानून की मजबूरी है, जो अब तक शक को सबूत में नहीं बदल सकी। लेकिन इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि उस सांप वाली लड़की का अगला शिकार तुम दोनों में से कोई भी हो सकता है। तुम लोगों की उससे क्या दुश्मनी है यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस केस की तह तक पहुंचने के लिए अगर तुम लोगों ने कानून की मदद की तो पुलिस तुम्हारी पूरी हिफाजत करेगी। हिफाजत? बचे, हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी जो हम तुम्हारी मदद के मोहताज हों। सोच लो, फैसला तुम्हारे हाथ में है, जेल में रहकर जीना है या बाहर रहकर मरना। जवानी और उम्र बड़ी कीमती चीज है खान, क्यों अपनी जान का दुश्मन बना है? बोल। ये बर्फ पिघलने लगी है लेकिन इसकी हिम्मत नहीं पिघली दुर्जन, कुछ बोलता ही नहीं है। बोलेगा, आज जरूर बोलेगा। लाओ रे, छोड़ो। कहा था ना, बोलेगा। देख, अपने मर्द को समझा, किस भरी जवानी में तुझे बेवा क्यों करना चाहता है? या तो इसकी जबान खुलवा या अपनी जबान से बताओ कि नौटंकी के बहाने हमारा खून करने के लिए तुम लोगों को किसने भेजा था? ये कुछ नहीं जानती, नहीं ये कुछ नहीं जानती। तुम मुंह नहीं खोलोगे और ये कुछ जानती नहीं तो हम अपना वक्त क्यों बर्बाद करें? नहीं, नहीं, इन्हें मत मारो, मैं बताती हूँ। बता। नहीं शमा, नहीं। एक लड़की के हाथों जेल के एक साथी त्रिलोक चंद ने इनके नाम एक खत भेजा था। शाबाश शमा भाई, शाबाश। इन दोनों को रिहा कर दो, कर दो रिहा इन दोनों को। जिंदगी से। तो कातिल का कुछ पता चला? फिलहाल तो नहीं सर, लेकिन इतना जरूर साफ है कि अग्रवाल और पिंटो की मौत में उस सांप वाली लड़की का हाथ है। सांप वाली लड़की? यस सर, और मुझे यकीन है कि वो बाकी दोनों को भी नहीं छोड़ेगी। तो फिर दुर्जन और जोरावर के घर के आसपास सादे कपड़ों में पुलिस फोर्स तैनात कर दी जाए ताकि वो उनकी हिफाजत के साथ साथ उन पर नजर भी रख सके। इंस्पेक्टर राकेश, या आपके लिए फोन। एक्सक्यूज मी सर, थैंक यू। हेलो सर, रेलवे ट्रैक्स के पास वली खान और उसके मंगेतर शमा बानू की लाशें मिली हैं। क्या खान और शमा की लाशें रेलवे ट्रैक पर मिली हैं? उससे मुझे क्या मतलब? मतलब जिस इंसान के साथ आपने 11 साल जेल में सजा काटी, जिसके रिहा होने पर आप उसे खत भिजवाते रहे, उससे आपको कोई मतलब नहीं? यह सब तुम्हें कैसे मालूम है? आपकी नर्स, जो दरअसल नर्स नहीं मेरी मुखबिर है, जिसे मैंने आप पर नजर रखने के लिए तैनात किया था, आपकी एक एक रिपोर्ट मुझे मिलती रही। तो तुम भी आखिर पुलिस वाले ही निकले ना? अपना मतलब निकालने के लिए एक अपाहिज के जज्बातों से खेलने में भी तुम नहीं हिचके? और वो लड़की जिसे मैंने एक बेटी समझकर प्यार दिया, उसने मुझे धोखा दिया, उसे मैं वो सब कुछ बता चुका हूं जो मेरे सीने में लावे की तरह छुपा हुआ था, अपना गुजरा हुआ वक्त, अपना दर्द। अच्छा, यही सब जानने के लिए तो मैंने निशा को यहां भेजा था। कहां है वो?
अल्लाह अल्लाह इंशा अल्लाह अल्लाह माशा अल्लाह अल्लाह इंशा अल्लाह बड़े मनहूस हो इंस्पेक्टर, तुम्हारे यहाँ कदम पड़ते ही सारे रंग में भंग पड़ गया। रंगों के इसी शौक ने तुम्हारे दोनों साथियों को नीला कर दिया था। अगर तुम बाज नहीं आए तो कहीं वो सांप वाली लड़की तुम्हें मुझे भी नीला ना कर दे, यही ना? शुक्र है तुम समझते तो हो। शायद तुम नहीं समझे,
मुझे अपनी हिफाजत के लिए तुम्हारे जासूसी कुत्तों की जरूरत नहीं है। सुरावर के बाजुओं में बहुत जोर है, समझे? बहादुर अगर बेवकूफी की मौत मर जाए तो रोना नहीं आता। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। बोल, कहां छिपा रखा है वो जहरीला सांप जिसने मेरे दोनों दोस्तों की जान ली है? सांप? कौन सा सांप? क्या तेरे पास कोई सांप नहीं है? नहीं। तू भी किसी नागिन से कम नहीं है। तेरा डसा हुआ तो पानी भी नहीं मांग सकता। और तू भी नहीं मांगेगा, ये देख। अपनी पायल लेने आई थी। कहां से आ रही है तू? किसकी जासूसी करने गई थी? मैं नहीं जानता था कि मैंने अपने घर में एक आस्तीन का सांप पाल रखा है। इतना बड़ा छल, ऐसा धोखा, ये तक नहीं सोचा कि जिसके जज्बात के साथ तू खेल रही है वो सिर्फ मन से ही नहीं तन से टूटा हुआ इंसान है। बता कौन है तू, तेरा असली रूप क्या है? इन मगरमच्छी आंसुओं का अब मुझ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। लड़की, चली जा मेरे घर से। नहीं नाना, नहीं, मुझे माफ कर देना। नाना? हाँ नाना, मैं मुन्नी हूँ, तुम्हारी नातिन। मुन्नी? नहीं, ये तेरी कोई नई चाल है। मम्मी की कसम नाना,
मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। काश बजरंग काका जिंदा होते तो तुम्हें यकीन आ जाता। मुझे बचाने के लिए वो खुद आग में जल मरे। काश वही आग मेरी चिता बन जाती। बेटी तूने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तू तो मेरे खानदान का आखिरी चिराग है। हाँ, ऐसा चिराग जो सिर्फ अंधेरा ही दे सकता है, ऐसा धुआं जो सिर्फ जहर ही उगल सकता है। हाँ नाना, तुम्हारी मुनी खूनी भी है। अपने माँ बाप की हत्या का बदला लेने के लिए मैंने ही उन दरिंदों का खून किया है। मैं तो समझता रहा कि खान ने ही किसी जहर से उनकी जान ली। तुझे मेरी कसम बेटी, जो किसी को तूने ये सब बताया, हो सके तो खुद भी जिंदगी के इन काले सफों को फाड़ कर फेंक दे, भुला दे ये सब। अब हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। आज से 11 साल पहले जब तेरा जन्मदिन मनाने में शेषपुर गया था तो तू न जाने कहां खो गई थी, लेकिन अब तू मुझे मिल गई है। मैं कल ही तेरा जन्मदिन ऐसे मनाऊंगा कि बीते हुए सालों की सारी कसर पूरी हो जाएगी। नाना, और पुलाओ नाना, नाना और पुलाओ, और पुलाओ नाना, नाना और पुलाओ, पुलाओ। आज का दिन भी कितना शुभ दिन है बेटी, एक नई शुरुआत, एक नया जन्म। इस जन्मदिन पर तुझे मेरा आशीर्वाद है कि आने वाले जिंदगी में तुझे हमेशा सुख मिले। घबरा मत लंगड़े, इस लड़की का जन्मदिन तो बड़े धूमधाम से मनेगा, लेकिन यहाँ नहीं, सेठ दुर्जन के दौलत खाने पर। बुनी तू भाग गया से। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुझे मेरी कसम बेटी, जा। आपके इस प्रश्न के उत्तर में अभी कोई आंखों देखा उदाहरण तो नहीं दे सकता, परंतु हाँ, इतिहास साक्षी है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सुंदर कन्याओं को सर्प दंश से विषाक्त किया जाता था। उनका काम शत्रुओं को अपने रूप जाल में फांसना और फिर अपने चुंबनों के द्वारा उनके शरीर में विष फैलाकर उनका अंत करना। ऐसी बातें दूसरे विश्व युद्ध के समय भी सामने आई। शत्रुओं का भेद जानने के लिए माता हारी जैसी गुप्तचर ने विष कन्याओं का प्रयोग किया है। क्या सोच रहे हो इंस्पेक्टर, काफी ठंडी हो रही है। क्या ऐसी लड़कियां जन्म से ही विष कन्या होती हैं? नहीं, इन कन्याओं को बचपन में थोड़ी थोड़ी मात्रा में विष दिया जाता है, फिर धीरे धीरे इस विष की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। इस तरह युवावस्था तक ये कन्याएं पूरी तरह से विष कन्याएं बन जाती हैं। क्या ये आज भी संभव है? क्यों नहीं, और क्या, मेरा जूठा पियोगे? निशा, निशा, निशा।
ये सब कैसे हुआ? आप ठीक तो हैं? मेरी फिक्र मत करो, मेरी मुन्नी की जान बचाओ। मुन्नी? हाँ, निशा मेरी नातिन है। दुर्जन के आदमी उसे जबरदस्ती भगा कर ले गए और मुझे। चलिए मैं आपको अस्पताल ले जाऊं। वक्त मत गवाओ बेटा, वरना मेरी बेटी और दामाद के कातिल उनकी आखिरी निशानी को भी खत्म कर देंगे। जल्दी करो। आप चिंता मत कीजिए, निशा को बचाने के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। तूने एक सांप से मेरे तीनों दोस्तों को मरवा दिया, अब 300 सांप तेरी जान लेंगे, तेरे रोम रोम से लिपट जाएंगे, अपनी जहरीली जीभों से तेरे बदन को सहलाएंगे। भेजा, डाल दो इसे सांपों वाले कुएं में। देखो नहीं तो इस लड़की का भेजा छलनी कर दूंगा। अब समझा, मेरे साथियों को किसी सांप ने नहीं काटा था, बल्कि तूने मारा था। तू ही वो जहरीली नागिन है ना? वाह वाह इंस्पेक्टर, इसको तो ऐसा और लौंडिया के लिए हथियार डाल दिए। ठीक है, मैं तुम दोनों के इश्क के बीच में विलन नहीं बनूंगा। ए कालिया, इसके आशिक को इधर ला। चल ले अपने आशिक का चुम्मा। चल जालिम और मत तरसा बेचारे को, बुझा दे प्यास अपने आशिक की। क्या किस्मत पाई है, जिसे ये चाहती है उससे ये प्यार नहीं कर सकती, और हम इसे चाहते हुए भी प्यार नहीं कर सकते। क्या फायदा इस जवानी का है? क्यों कालिया, क्यों ना इसे भी इसके आशिक के पास भेज दिया जाए।
कम से कम मरने के बाद दोनों की आत्माएं तो मिल सकेंगी। आए? काट, तेरी जहरीली जबान सुरजन सिंह के जूतों को नहीं भेज सकती। देख, देख मुझे माफ कर दे। तू जो मांगे वो मैं दूंगा तुझे। मुझे तेरी जान चाहिए। देगा? नहीं, नहीं, देख, मुझे छोड़ दे, छोड़ दे मुझे। फॉरेस्ट ऑफिसर विक्रम सिंह और उनकी पत्नी को तूने छोड़ा था? अगर तुझे मालूम होता तो तू उस मासूम बच्ची को भी नहीं छोड़ता जो माँ काली के आशीर्वाद से बच गई। देख, आज वो तेरे सामने खड़ी है अपने जहर से तुझ जैसे जहरीले इंसान का विनाश करने के लिए। नहीं, 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 वकीलों की जिरह और गवाहों के बयानात की रोशनी में ये बात साफ जाहिर होती है कि माइकल पिंटो, लाला लच्छीराम चौधरी और जोरावर अली की मौत का कारण कुमारी निशा विक्रम सिंह ही है। कुमारी निशा के डिफेंस लॉयर की इस दलील से भी मैं इत्तफाक रखती हूँ कि जिस तरह बंदूक, तलवार या छुरी कत्ल के सिर्फ साधन हो सकते हैं, कातिल नहीं, और उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाता, ठीक उसी तरह कुमारी निशा पर भी हथियार होने के नाते मुकदमा चलाया जाना बेमानी है। वेरी गुड। ऑर्डर, ऑर्डर। बावजूद इसके कुमारी निशा 3 मौतों के लिए जिम्मेदार है, इसलिए अदालत इस मुकदमे को खारिज तो नहीं कर सकती। लेकिन उसकी नाबालिग उम्र और इस केस के स्पेशल सर्कमस्टांसेस को मद्देनजर रखते हुए कुमारी निशा को अदालत उस वक्त तक कानून की निगरानी में रखने का आदेश देती है जब तक शेषपुर गांव के तांत्रिक भूतनाथ के दावे के अनुसार वो पूरी तरह विषमुक्त नहीं हो जाती। उसके बाद जब काबिल डॉक्टर इस बात की तसल्ली कर लेंगे कि वो पूरी तरह से नॉर्मल हो गई है, तब उसे रिहा किया जाएगा। अब अदालत बर्खास्त होती है। हमने कोर्ट को सूचना दे दी थी कि मिस निशा का डिटॉक्सिफिकेशन अब पूरा हो चुका है और अब वो बिल्कुल नॉर्मल है, फिक्र करने की कोई बात नहीं। आइए। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये रहे इनके कोर्ट के रिलीज ऑर्डर। मुबारक हो मिस निशा, अब तुम घर जा सकती हो, आजाद हो। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। ये 2 बार अपने जन्मदिन पर मुझे धोखा दे चुकी है, इससे पहले कि ये फिर कोई शरारत करे इसे हथकड़ियां पहना ही दो बेटा। मेरा भी यही ख्याल है। ये
जाइए न घबराइए, ये मासूम प्यार था। पास आइए न शर्माइए, जाइए न घबराइए, ये मासूम प्यार का दिल मेरा खो गया, खो गया दिल मेरा, दिल मेरा जाने जा मुझे जन्म